ना मैंने लास्ट सीजन में ना मेरी सिस्टर ने मुझे ना गिफ्ट किया था मेरा बेटा है अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, बिरयानी की प्रेपरेशन चल रही है। दरअसल आज मेरी दोस्त ने आना, तो अभी थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था। नाश्ते वगैरह से मैं फारग हो चुकी थी, तो बस किचन को जो है ना मैं समेट रही थी। फिर उसने बताया कि आज वो अपने बच्चों को लेकर मेरी तरफ आएगी, तो बस काफ़ी दिन से जो है ना उसके आने का प्लान बन रहा था, तो गेट टुगेदर करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी मैं बिज़ी होती थी, कभी वो, तो बस आज का दिन फिर उसके बच्चे घर पर थे, तो उन्हें क्या कि चले हम जो है ना चलते। अच्छा, मेरे पास मसाला जो है ना थोड़ा सा था, आधा साशे था, तो वो मैंने डाल दिया। बाकी मैंने घर के मसाले इसके अंदर डाले, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। इसके अलावा मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, गर्म मसाला ऐड किया और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और दही मेरे पास आधी प्याली पड़ी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें मैरिनेट करके रखती हैं। अच्छा, घर पे सामान पड़ा हो ना, तो मेहमान आपके अचानक आ जाएं तो आपको यकीन करें इतना वो रिलैक्स आप होते हैं ना कि कोई टेंशन नहीं। इस वक्त ऐसे सूरत हाल थी कि घर पे ना रिजवान थे, ना कोई जो है ना लाने वाला और सोर्स था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पे सारी चीज़ें मौजूद थी। मटन भी मौजूद था, फ़िश भी थी, चिकन भी था, और जो जितनी भी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अच्छी दावत जो है ना एक तैयार कर ली उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो बिरयानी को मैरिनेट करके रख दिया, उसके चिकन को, और जो है ना फिर उसके बाद मैंने जो है ना गोश्त को भी जो है ना प्रेशर कुकर में लगा के चढ़ा दिया था। मटन का चूंकि मैं कोरमा स्टाइल में जो है ना ग्रेवी वाला सालन बना रही थी, तो उसके अंदर सारा कुछ डाल के तो उसको मैंने जो है ना 17 मिनट के लिए पहले कुक करूँगी जी। तो बस चावल भी चुके भिगो देते हैं, और जो है ना स्वीट पड़ी हुई थी बहुत ही मज़े की स्वीट, रात को ना रिजवान लाए थे, तो थोड़ी सी मैं ये टेस्ट करती हूँ। पनीर के बड़े ही मज़े के रसगुल्ले थे, तो मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने कहा चलें एक ये खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो है वो डे शुरू हो गया है, कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज मेरी आ रही है एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, तो उसके भी छोटे बच्चे हैं दो, उनको लेकर हादी के साथ खेलना है। तो अभी आज हादी को मैं जल्दी ऑफ करवा लूँगी, 12 o'clock पिक कर लूँगी, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं और बच्चे ख़ासतौर पर हादी के साथ खेलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपके साथ ना अपनी विंटर क्लोथ्स की कलेक्शन शेयर करना चाह रही हूँ जो मैंने रिसेंटली बाय किए हैं। तो जो सर्दियों के मैंने सारे अपने कपड़े तैयार किए हैं जो पूरे सीज़न में मैंने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा, ये गुल अहमद का था सूट, इसके साथ ना मैंने शलवार सिलवाई है, ठीक है, इसके साथ दुपट्टा दिखा। अच्छा, ये इसके साथ ना दुपट्टा है ये, तो मुझे ना शलवार वाले बड़े इजी से लगते हैं, तो एक मैंने इसके साथ शलवार बना ली थी। ये 3-piece सूट है एक मेरा, और ये ना मैंने लास्ट सीजन में ना मेरी सिस्टर ने मुझे ना गिफ्ट किया था, मैंने यूज़ नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं पहना था, उसको रख लिया था। तो ये भी जो है ना 2-piece है, ये लाइम लाइट से लिया था उसने, एम्ब्रॉयडर्ड थोड़ा सा फैंसी पार्टी वेयर के अंदर जो है ना आ जाता है, एक ही है लाइम लाइट का। अच्छा, मुझे जो ज़्यादा कपड़े पसंद है ना वो लाइम लाइट के पसंद है, मैं ज़्यादा जो है ना उन्हीं के बाय करती हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो मुझे साइजेस जो है ना उनके बड़े अच्छे आ जाते हैं, एक हिसाब हो गया है कि मीडियम लार्ज आएगा जो भी है, और फैब्रिक भी मुझे उनका पसंद आता है, स्टिचिंग खास तौर पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के जो रेंज है ना आपकी, कि 3-piece जो है ना 5-6 हज़ार में एवरेज जो है ना कैजुअल सा आपको मिल जाता है घर में पहनने के लिए, और 2-piece अगर आप लेते हैं शलवार कमीज तो वो भी बड़ी अच्छी रेंज में मिल जाता है। अच्छा, ये जो है ना ये भी जो है लाइम लाइट का मेरा है कुर्ता है, बेसिकली मैंने लिया था कुर्ता, और इसके साथ ना ये खुले पाउंचों वाला ट्राउज़र है, ठीक है, ये आजकल जो चले हुए ना ब्रॉड पाउंच, ये खुले पाउंचों वाला ट्राउज़र है, बैक पे इसके एम्ब्रॉयडरी है, और ये वाइट दुपट्टे के साथ है कुछ इस तरह से, इसको मैं टाइट्स के साथ भी कभी कभी पहन लेती हूँ। अच्छा, ये भी मैंने ना लाइम लाइट से लिया था, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, साथ ना इसके शलवार है, ये 2-piece था, ये तकरीबन कोई जो है ना 5400 में मुझे मिल गया था, बड़ी अच्छे फैब्रिक में ना शलवार,
कलर इसका बहुत ही मुझे ना पसंद आया था। ये चादर जो थी ना ये मेरे घर पे मैच होगी, किस मेरे पुराने सूट की पड़ी हुई थी, तो बड़ा ही अच्छा उसके साथ ना कलर देखें कंट्रास्ट में आ गया, वो भी एम्ब्रॉयडर्ड है। तो ये मेरा जो है ना सूट एक तैयार हो गया, ठीक है। ये करंडी स्टफ के ऊपर है। अच्छा ये जो है ना अभी रिसेंटली मैं ना एम्पोरियम गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो जो है ना वहाँ से मैंने लिए बीच ट्री से, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से लिए, वैसे पहले मैं लेती नहीं हूँ। कहाँ गया इसका टैग? हाँ ये रहा, प्राइट में था। ये कुर्ता जो था ना 49.50 में मुझे मिला है, और ये शॉल भी जो है ना मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ये साथ ना मैचिंग हो गई इसके, कुर्ता ये भी बना हुआ है। अच्छा ये ना वाइट ट्राउज़र एक दो ले लेना, उसके साथ सारे ये चल जाते हैं। तो मेरे पास ट्राउज़र कुछ पहले भी पड़े हुए हैं स्किन में वाइट में, तो ये कुर्ते जो है ना मैं आजकल यहाँ तो टाइट्स पहन लेती हूँ या ट्राउज़र। तो ये कुर्ता जो है ना 5,000 रुपये का था, तो चादर भी घर से इसकी मैच हो गई और ट्राउज़र तो ऑलरेडी है ही था। इस तरह से ये भी कुर्ता मैंने परसों पहना हुआ था, शायद आपने देखा भी, बहुत प्यारा इसका स्टाइल है, बगी से स्टाइल ना, ये पीछे से इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई है। ये भी मैंने बीच स्टिच लिया था, ये भी शॉल जो है ना इसकी मैच होगी, शॉलें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। ये इसका जो है ना स्टाइल बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये भी हमने लिया था बीच ट्री से, और तकरीबन ये भी 5,000 की रेंज में मिला था। ये शॉकिंग पिंक और ये मैंने दोनों इकट्ठे बाय किए थे। तो ये थी मेरी विंटर की कलेक्शन। अब रहेगी शादी की कलेक्शन, शादी पे मैंने कौन से कपड़े लिए हैं वो मैं आपके साथ ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। जी तो मैं वापस किचन में आ गई हूँ, मैंने जो है ना सालन ऊपर चढ़ाया हुआ था, तो अब मैं ना चाउमीन भी बना कर जाऊँगी। तो चाउमीन का सामान चूँकि ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी सब्ज़ी काट के इसके अंदर डालते हैं। तो पहले जो है ना इसको तैयार करके रख लेते हैं, ताकि कुछ ना कुछ बना होगा तो बच्चों को अगर आते भूख भी लगी होती है तो टेंशन नहीं होगी, जल्दी से फिर डाल के बंदा सर्व कर सकता है। बहरहाल यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च काट ली और एक गाजर काट ली है। गाजर आजकल जो है ना चाइनीज़ आ नहीं रही, तो आजकल लाल गाजर आना शुरू हो गई है। अच्छा ये जो नाइफ़ है ना मैंने दराज से बाय किया था, बहुत ही इकनॉमिकल है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। पोटैटो की कटिंग बहुत अच्छी होती है, इस तरह से वेजिटेबल की कटिंग भी बहुत अच्छी करता है। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना कुकिंग ऑयल डाला है फ्राई पैन में, उसके अंदर जो मैंने मैरिनेटेड चिकन रखा उसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद उसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी जो मैंने कटिंग की है वो डाल दूँगी, और थोड़ी सी जो है ना पहले की जो है ना काट के मैंने रखी हुई थी कल परसों की, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो जाए। ये ऑर्डर्स में चूँकि चल रही होती है, तो कल ऑर्डर्स चल रहे थे तो उसमें जो बच गई थी वो मैंने रख ली थी। नूडल्स ऑलरेडी बॉयल हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें फ्रिज में पड़ी हो ना तो आप बट झटपट से निकालते हैं तो तैयार कर लेते हैं। तो फूड पांडा में काम करने के भी फ़ायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना अचानक मेहमान आ जाए तो आपकी जो है ना वो आप क्विक बेसिस पे जो है ना बना सकते हैं। तो नूडल्स यहाँ पर हमने तैयार कर ली हैं, और बस इसके अंदर सॉसेज में हल्के रखूँगी, स्पाइसिस कम डालूँगी ताकि बच्चे जो है ना इसको आसानी से खा सकें। अच्छा मेरा दूसरा पार्सल भी मुझे रिसीव हो गया है, अब्दुल हादी के कपड़े भी आ गए हैं। अच्छा मैंने सारे कपड़े जो है इसके मिनी माइनर से ही मंगवाए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं उधर से इसकी शॉपिंग करती हूँ, अपने मैं लाइमलाइट से मंगवाती हूँ, और उसके जो है ना तो एक ब्रांड होता है जो आपको ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो मैं उसको रिकमेंड इसलिए करती हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। प्राइस आल्टो के थोड़ी सी ज़्यादा होती है मिनी माइनर्स की, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। 390 रुपये, ये 10% ऑफ पे लगी होती ब्लैक फ्राइडे की सेल्स पर। और ये इसका सूट है, ये ऊपर इसका जैकेट है, और ये नीचे इनर शर्ट है। अच्छा साइज़ मैंने इसका जो मंगवाया ना वो 9 to 10 ईयर्स का, अब्दुल हादी को ये फिट आता है, और 5,590 इस पर भी 10% ऑफ था। अलावा ये मैंने इसका स्वेटर एक मंगवाया, ये भी कल पार्सल मुझे मिल गया था, ये हुडी वाला ना जिपर स्वेटर है, और ये ना हैंडमेड है, बहुत ही प्यारे से कलर्स हैं, बहुत ही ना क्यूट सा बना हुआ था। साइज़ इसका भी 9 to 10 था, और ये मेरे ख्याल में ना 3 साल तक जो है ना आराम से हादी को चल जाएगा, क्योंकि साइज़ इनके ना बड़े अच्छे होते हैं, और जो है ना 2 सीज़न कपड़े तो आराम से निकल जाते हैं। और इसके ऊपर जो है ना 20% ऑफ था, और ये मुझे मिला है 4,4590 का था,
तो 20% ऑफ करके जो है ना वो 3800 तकरीबन मुझे मिल गया था ये वाला भी। अच्छा ये जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किए थे उससे पहले पार्सल मिला था, ये भी ऊपर हुडी और ये साथ इनर शर्ट है इसकी, और ये इसके साथ ना ट्राउज़र है, 3 पीस ये भी हो गया। ट्राउज़र मैंने इसका लग मंगवाया था, 2500 का ट्राउज़र था इसका। इनके ट्राउज़र जो है ना फ्लीस टाइप स्टफ के अंदर फुल गर्म है, और ये जो है ना शर्टें भी इनकी ना फुल गर्म होती है। तो ये मैंने शर्ट मंगवाई है ना ब्लैक, तो ये भी ना फ्लीस की शर्ट बनी होती है, ये पहन के ना ऊपर स्वेटर पहनाने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती। तो इसके साथ भी ये ट्राउज़र ब्लैक ही था, ऊपर ये स्वेटर इसके साथ आ गया था, ये भी 3 पीस पेयर हो गया। ये आ गया इसके साथ ट्राउज़र, ऑलरेडी मैंने मंगवाया हुआ था ब्लू कलर का, ये पूरा सूट बन गया अब्दुल हादी का। इसी तरह से ये भी ट्राउज़र सारे, ये इसके कपड़े जो है ना ये मिनी माइनर्स के, ये जो है ना लास्ट सीज़न में मैंने मंगवा के रखे थे, तो एक दो दफ़ा पहने थे, ये ट्राउज़र नए थे बिल्कुल। तो उसके साथ मैंने कहा शर्ट मंगवा ले, तो ये पेयर जो है ना इस तरह से इसके बन जाएंगे। ये सूट हो गया इसका, और उसके अलावा ये भी इसका जो है ना मैंने लास्ट सीज़न में लिया था बिल्कुल न्यू, वैसे ही मैंने रखा था, तो ये भी हमारा पास है। और एक ही इसका हुडी मैंने लिया हुआ है, तो ये भी जो है ना मल्टी कलर्स में बहुत ग्रेसफुल है, ऊपर पहनने के लिए बहुत काम की चीज़ है। तो ये मेरा अब्दुल हादी की विंटर की कलेक्शन है, और एक ही इसकी ये वाली शर्ट है, ठीक है। अच्छा अभी रिसेंटली जो है ना वो ये वाला तकरीबन जो है 5000 का 2 पीस पड़ा है, और जो है ट्राउज़र जो है ना 2500 की रेंज में है, तो ये तकरीबन 7000 में जो है ना एक सूट पड़ा है। इसी तरह से इसका भी 2500 का ट्राउज़र और 5000 के अंदर ये इसका 2 पीस मिला के पूरा जो 7000। और ये वाली शर्ट थोड़ी सी इकनॉमिकल थी, 2390 की शर्ट मिल गई, ट्राउज़र घर से इसका मैच हो गया था। और स्वेटर जो एवरेज है ना वो 5000 की रेंज में था, जैसे कि इसकी भी प्राइस जो है ना वो 4500 के करीब है, लेकिन ऑफ की वजह से जो है ना ये 38 में तकरीबन जो है ना पड़ा मुझे। इस शर्ट के ऊपर भी ऑफ था, ये 1800 की शर्ट, ये मेरी 2150 इसकी एक्चुअल प्राइस है, और ये 2500 ये क्योंकि प्लेन में थी थोड़ी सी इकनॉमिकल है। तो ये थे अब्दुल हादी की कलेक्शन। अच्छा मैंने हादी के कपड़े ना काफ़ी जगहों से लेकर ना देखे, शुरू से जो है ना वो लोकल मार्केट से भी और भी काफ़ी ब्रांड्स के, तो फाइनली फिर जब मैंने मिनी माइनर्स के जो है ना वो ऑब्ज़र्व किया ना, एक तो जो है ना कपड़े बच्चों के बार बार धुलने होते हैं, और जो है ना वो अगर बाहर आप किसी और ब्रांड से लेते हैं या लोकल मार्केट से लेते हैं ना, एक दो वॉश के बाद कपड़ों पे बुर आ जाती है, और वो लुक जो है ना बच्चे के कपड़ों का वो नहीं रहता फ्रेश, जो है ना ऐसे अजीब से जो है ना वो हो जाते हैं। और जो ग्रेस ये वाले कपड़े पहने हुए बच्चों के लगते हैं ना ग्रेसफुल होते हैं, फिटिंग्स बहुत अच्छी होती हैं, और जो है ना इनके जो अभी जो शर्ट्स मैंने जो भी ली है ना ये 2 सीज़न तो जो है ना कहीं नहीं गई, आराम से जो है ना वो चल जाती हैं, ठीक है। तो स्वेटर वगैरह तो 3 सीज़न भी चल जाते हैं। तो ये कि अब अगर आप इतने ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं कपड़ों पे, ये नहीं कि एक सीज़न पहनाया कपड़े, क्योंकि बच्चे तो तेज़ी से ग्रो अप कर रहे होते हैं, नेक्स्ट सीज़न वो आपके काम ही नहीं आएंगे। तो अभी मुझे इसलिए ज़्यादा लेने पड़े क्योंकि शादियाँ जो है वो तो 3 इकट्ठी आ रही हैं, तो सांस चढ़ा मुझे बोलते हुए। मैं भी किचन में काम कर तैयारी आपके साथ शेयर किया था, तो जो है ना बहरहाल तो ज़्यादा इसलिए कपड़े लिए, शादियाँ 2-3 आ रही हैं, तो इंशाल्लाह शादियों पे मैंने कौन कौन से बनाया है वो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी जो है ना 12 बजने वाले हैं, और अब्दुल हादी को मैं पिक करने जा रही हूँ, मेरी दोस्त उधर से ही हमें पिक कर लेगी, फिर हम मिलकर घर पर आएँगे। खाना आधा मैंने बना दिया, आधा आके मैं घर पर वापस बनाऊँगी, तो आप हमारे साथ रहिएगा, वीलॉग को एंड तक देखिएगा। ओके टेक केयर जी, वेलकम बैक टू माय किचन अगेन। तो मेहमान जो है वो पहुंच चुके हैं, तो अब जो है ना मैं जो है सालन को जो है ना बुनाई कर रही हूँ, तो प्रेशर में पहले मैंने इसको गला लिया हुआ था, फिर मैं चूल्हा बंद कर गई थी जाते वक्त, तो हादी को मैं ले आई हूँ, मेरी दोस्त भी आ चुकी है, उसके बच्चे भी, तो बस अफरा तफरी पड़ी हुई है, बच्चे कभी एक तरफ से आ जाते हैं अचानक, कभी दूसरी तरफ से, तो चूल्हे भी जल रहे थे क्योंकि उसकी मामा भी मेरे पास बैठी हुई थी, तो बच्चे जो है सारी बात मदर्स जिधर हों बच्चे भी वहीं पे जाते हैं, तो मैं बड़ा एहतियात से काम कर रही थी कि भाई बच्चों को बचाओ अपने चूल्हे की तरफ ना आए। एनी वेज यहाँ पर सबसे पहले मैंने उनको जो है ना नगर साथ फ्राई कर दिए, और जो चाउमीन मैंने बनाई थी वो बच्चों को दी, साथ स्वीट्स वगैरह दी। अच्छा मैंने प्याज को सबसे पहले जो है ना कढ़ाई के अंदर डार्क ब्राउन करके निकाल लिया था, उसी कढ़ाई में जो मैरिनेट चिकन था वो मैंने डाला है, इसकी थोड़ी सी बुनाई करूँगी, और इसके बाद जो मैंने टमाटो पेस्ट तैयार किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दूसरी तरफ मैंने चावल भी उबलने के लिए रख दिए हैं,
तो अभी टमाटो पेस्ट डाल के इसको जो है ना मैं थोड़ी देर दम भी लगा दूंगी ताकि चिकन जो है ना अच्छे तरह से जो है ना कौरमे का हमारा गल जाए। और यहाँ से बाहर से मैं थोड़ा सा धनिया तोड़ के लाई हूँ, जो मेरा कौरमा तैयार हो गया मैं उसके अंदर डाल रही हूँ। और कौरमे में मैंने नमक मिर्च बहुत ही हल्की सी रखी थी, बिरयानी भी मैंने कोशिश की ज़्यादा तेज़ ना हो ताकि बच्चे हमारे जो है वो इसको फुली तौर पे इंजॉय कर सके। अच्छा, चावल चूँकि जिस पे तेगची में मैंने बॉयल किए थे वो उसी में फिर मैंने डाल दिए, ऊपर मैंने जो कौरमा तैयार किया है चिकन का वो ऐड कर दिया, साथ ही मैंने जो ब्राउन प्याज की वो डाल दिए। और इसके बाद पुदीना जो है ये भी मैं अपने गार्डन से तोड़ के लाई थी, इसको बारीक काट के मैंने वो ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और लास्ट में मैंने जो है ज़रदा रंग डाल दिया। अब इसको लगा दूंगी दम। चावल चूँकि हमारे जो है इस दफ़ा मैं लाई थी मार्केट से तो मुझे पानी का हिसाब नहीं था, थोड़ी सी कनी महसूस हो रही थी, फिर मैंने गीला करके पोना एंड पे इसके अंदर लगा दिया। और साथ में थोड़ी सी फ़िश फ्राई कर रही हूँ जो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी, मैंने कहा चलिए ये फ्राई कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त को जो है ना खाना काफ़ी पसंद आया था तो फिर मैंने जाते हुए उसको साथ पैक भी कर दिया। ख़ास तौर पर उसको फ़िश और बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी जी। तो हमारी मज़ेदार सी बिरयानी भी तैयार हो गई है। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरा जो है ना फाइनली मेरा पार्सल जो है ना मुझे मिल जाएगा। मैंने जो काफ़ी दिन से ऑर्डर प्लेस किया हुआ था 10-12 दिन उस पार्सल को जो है ना प्रोसीड होने में लग गए, तो आज सुबह तो बल्कि उसकी कॉल भी आई थी तो राइडर की आज पहुंच जाएगा। तो फाइनली फिर मुझे कुछ देर पहले ये रिसीव हुआ था। तो अब मैं किचन वगैरह से जो है ना फारग हो चुकी थी, मेड को मैंने बुलवा लिया था चलो मेरी हेल्प कर देना बर्तन शर्तन धोने में, तो वो खैर साथ वो धो रही थी किचन को, उसने नीट कर दिया। मैंने कहा चले मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ, तो अनबॉक्सिंग किसकी अभी थोड़ी देर में आप देख भी लेंगे। तो मैंने मंगवाया फ़िलिप्स का जो है बहुत ही प्यारा सा एयर फ्रायर, तो मेरी जो है ना काफ़ी देर से मेरी विश थी कि मैं लूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह मियाँ ने मुझे तौफीक दी लेने की, तो मैंने इसको बाय किया है। और जो है ना फ़िलिप्स का जो है ना काफ़ी लोगों से मैंने सुना था कि इनकी कंपनी एयर फ्रायर की जो है लिहाज से ना बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तो जब मैंने खोला तो वो प्रोडक्ट को देख के जो है ना वाकई में अंदाज़ा होता है कि ये जो है ना सही वर्थ बाइंग जो है चीज़ है। उसकी जो ऊपर सा स्टफ़, उसकी पैकिंग और जो क्वालिटी है बहुत ही कमाल की है कि आपको फ़ील नहीं होता कि आपने पैसे जो है ना ऐसे स्पेंड कर दिए, वर्थ बाइंग चीज़ जो है ना वो लगती है। अभी तो मैं जस्ट आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग्स ही शेयर करूँगी क्योंकि इसको अभी आज मैं यूज़ नहीं करूँगी, एज इट इज़ ही रख दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर जब मैं इसके अंदर कुकिंग स्टार्ट करूँगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी कि किस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा, कंप्लीट रिव्यू इसका मैं दूँगी। तो चीज़ जो है ना बहुत ही क्लासी बनी हुई थी, बहुत ही कमाल की। अच्छा, मैं इसको खोल रही थी तो साइड पर उन्होंने सील किया हुआ था, फिर मैंने इसके साइड वाली टेप्स उतारी, दोनों तरफ ना उन्होंने इसको लॉक किया हुआ था ताकि ना निकले ना। पैकिंग बहुत ही अच्छी थी, 3-4 पैकिंग्स थी इसके ऊपर, तो सिक्योर जो है ना पूरी तरह से सिक्योर तरीके से आया है। और ये मैंने डायरेक्ट जो है ना कंपनी से बाय किया है, 11-11 सी सेल चूँकि लगी हुई थी तो वैसे तो इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, तो मुझे जो है ना ये 26,000 में जो है ना वो पड़ा। और इसकी शिपिंग चार्जेस डाल के ना ये तकरीबन कुछ 27,000 मैंने इसका जो है ना पे किया टोटल। और इसकी जो कैपेसिटी है ना वो स्टैंडर्ड जो 4.5 वाली है ना वही है जी। गाइस, तो आई होप कि आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, बेल बटन दबा दीजिएगा। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।